ਸਸਟੀਕਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ 100% ਰਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ। कमलनाथ का दावा, राहुल गांधी होंगे 2024 पीएम अहुदे का चेहरा। भारत जोड़ो यात्रा च राहुल गांधी की की तारीफ। नवे साल से माता वैष्णो देवी भवन च वधे सुरक्षा के इंतजाम। RFID कार्ड तो बिना नहीं हो सकेंगे दर्शन। भवन से लाए गए ने 500 CCTV कैमरे। हुण खबरां विस्थार दे नाल। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर राघव चड्ढा ने एक बार फिर अपने आप नूं साबित किया। राजनीति के आधुनिकीकरण और इस नूं वधेरे जवाबदेह बनाउण लई जाने जांदे पंजाब के नौजवान संसद मैंबर राघव चड्ढा की सर्द रुत्त सैशन च 100% हाजरी रही। इस तों बाद उन्होंने जनता लई रिपोर्ट कार्ड जारी भी किया। 7 पन्नियां दा है रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने कारगुजारी दर्शाता है। पंजाब ते भारत नाल संबंधित चुके गए मामलों सवालों बहस और नियम 2067 के तहत दिए नोटिसों को सूचितबद्ध कर। राहुल गांधी साल 2024 प्रधानमंत्री अहुदे का चेहरा होंगे। यह गल कांग्रेस के सीनियर नेता ते मध्य प्रदेश के सबका मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आखी है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई की शलाघा भी की। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी 2024 लोक सभा चोणों में विरोधी धिर का चेहरा ही नहीं सगो प्रधानमंत्री अहुदे का चेहरा भी होंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं सगो जनता लिए सियासत कर रहे हैं। अजिहे नेता देश के लोग खुद ब खुद सिंघासन से बिठा देंगे ने। दस दिए कि कमलनाथ अजिहे नेता ने तो सबका मुख्यमंत्री ने जो 2024 चोणों लिए राहुल गांधी की उम्मीदवारी के पक्ष में अगे आए। नवे साल तो पहला जम्मू के कटड़ा स्थित माता वैष्णो देवी भवन में मत्था टेकने लिए देश दुनिया तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की गिनती वाधे के मद्देनज़र वैष्णो देवी भवन समेत कटड़ा च सुरक्षा सख्त कर दी गई है। वाधू जवानों की तैनाती के नाल CRPF जवानों वालों हर आने जाने वाले नज़र रखी जा रही है। दस दिए कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी वैष्णो देवी भवन से श्रद्धालुओं की गिनती ज़्यादा होंगी है, जिसनों देखद्या पुलिस प्रशासन वालों रणनीति तैयार की जा चुकी। आधुनिक तकनोलॉजी आधारित रेडियो फ्रीकुएंसी पछाण पत्र कार्डों की मदद के नाल श्रद्धालुओं से नज़र रखी जा रही है। इस तों बिना किसी श्रद्धालु को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। भीड़ प्रबंधन लिए यात्रा ट्रैक के भवन से 500 CCTV कैमरे लाए गए हैं। COVID-19 की संभावित चौथी लहर के खतरे को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की सलाह भी दी। फिरोजपुर विच बेशक पुलिस लुट खोह वर्गियां घटनावां ते रोक लगाउण दे वड्डे दावे कर रही है, पर फिरोजपुर विच लुट्टां खोहां दीआं घटनावां नूं अंजाम देण वाले माड़े अंसर सड़कां ते बेखौफ घूम रहे ने ते अजिहीआं घटनावां नूं अंजाम दे रहे ने। ताज़ा मामला फिरोजपुर कैंट दे इलाके तों सामने आया, जिथे एक महिला कोलों 1.5 लाख रुपए ते पर्स विचों ATM कार्ड खोह के लुटेरे फरार हो गए, जिस संबंधी पुलिस वल्लों मौके ते जाके जांच कीती जा रही।
साल 2022 दी विदायगी ते नवे साल 2023 दे स्वागत दे जशन च किसे तरह दी हुलड़बाजी ना होवे, इस दे लई पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। नवे साल दे जशन ते पुलिस दी सख्त नजर रहेगी। इस दौरान शराब पी के वाहन चलाउण ते हुलड़बाजी करन वालियां नाल पुलिस सख्ती नाल जिठेगी। सीपी मनदीप सिंह सिद्धू ने शहर च विशेष चैकिंग मुहिम चलाउण दे निर्देश दित्ते ने। 3000 तो वध पुलिस मुलाजम शहर च तैनात रहणगे। इस दे नाल ही शहर दीआं हदां जिथे सील कर दित्तीआं गईआं ने उत्थे शहर च नाकाबंदी भी कर दित्ती गई है। जशन तो एक दिन पहला ही पुलिस वालों शहर च नाकाबंदी की गई है, जिथे पुलिस के उच्च अधिकारी साल 2023 के आगमन के 31 दिसंबर की रात को शहर की सुरक्षा में सख्त प्रबंध देंगे ते किसी भी तरह की ढिल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब च दबदबे की लड़ाई कारण एक दूजे के कई साथियों के कतल कर चुके लॉरेंस बिश्नोई ते दविंदर बंबीहा गैंग, जिन्हां दे ज़्यादातर शूटर जां तां फड़े जा चुके ने जां एनकाउंटर किए जा चुके ने ते हुण अपनियां गतिविधियां जारी रखण लई पंजाब ते हरियाणा समेत होरनां सूबिआं दे नाबालिग नौजवानां दी भर्ती करन दी खबर नाल पंजाब पुलिस नूं चिंता विच पा दित्ता गया। पहला बंबीहा ग्रुप इस मामले च लगातार लॉरेंस ग्रुप नूं निशाना बणाउंदा सी कि उह घट उमर दे नौजवानां नूं जुर्म दी दुनिया च धक्क रिहा है, पर जदों चंडीगढ़ दे सैक्टर 7 च स्थित एक नाइट क्लब के मालक तो 1 करोड़ की रंगदारी मंगन ते उसनों धमकाउण लई 15 दिसंबर नूं क्लब के बाहर फायरिंग करन दे दोष च पंजाब पुलिस के स्पैशल सैल वालों हरियाणा के सिरसा तो जिन्हां दो मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया, उन्हां च इक की उम्र सिर्फ 13 साल की है। पुलिस ने इन्हां तो हथियार भी बरामद किए। सोने च इस साल हुण तक 13.5% ते चांदी च करीब 10% दी तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों तो सोने ते चांदी च मिक्स ट्रेंड देखण नूं मिलिया, पर साल 2023 लई कीमती मैटल्स नूं लैके आउटलुक बेहतर नज़र आ रहा है। जिस तरह दुनिया के कुछ वड्डियां अर्थव्यवस्थावां च मंदी दा अनुमान है, अगे सोना निवेशकां लई सेफ हैवन बन सकदा है। शेयर बाजारां लई भी मौजूदा सेंटीमेंट बहुता बेहतर नहीं है। महंगाई रेट हाइक जियोपोलिटिकल टेंशन ते मंदी वर्गे फैक्टर कारण अनिश्चितावां ने, अजिहे च सोने ते चांदी दीआं कीमतां नूं सपोर्ट मिल सकदा। श्री मुक्तसर साहिब दे रेड क्रॉस भवन विच बनी साडी रसोई आम लोकां लई वड्डा सहारा है। खासकर पिंडां तो शहर आउण वाले दिहाड़ीदार मजदूर इस रसोई विच पेट भर वधिया खाणा खा सकदे ने। रसोई जिसनूं प्रशासन वल्लों रेड क्रॉस सोसायटी चला रही सी नूं कुछ समा पहलां बंद कर दिता गया सी। इस रसोई नूं हुण बाबा गुरप्रीत सिंह सोनी चला रहे ने। रसोई विच भर पेट वधिया खाणा 15 रुपए विच मिलदा। उन्हां प्रशासन नूं अपील कीती है कि प्रशासन ने कार्ज उन्हां जिम्मे लाया जो सफलता नाल चल रहे। इस नाल आम दिहाड़ीदार काफ़ी खुश ने ते सेवा दा कार्ज निरंतर चल रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं जानो मारन की धमकी मिली है। दरअसल मामला नंगल सब डिवीजन के पिंड विभौर साहब के, जिथे एक नौजवान हाथ च 315 बोर वर्गी बंदूक चुक के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, विधायक ते कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस, SHO नंगल दानेश्वर सिंह ते पिंड विभौर साहब के साबका सरपंच रणजीत सिंह नूं डा देने की धमकी दिंदा नजर आ रहा। इस पूरे मामले की वीडियो भी वायरल हुई है। वीडियो च नौजवान अपने आप नूं पिंड विभौर के चौंक विच खड़ा होया दस रहा है। हत्थां च बंदूक फड़ी नौजवान SHO सब इंस्पैक्टर दानेश्वर सिंह, हरजोत बैंस, मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ललकार रहे, इत्थों तक कि बंदूक दिखा के बोल रहे कि जिन्हां बदमाशां नूं लै के आउणा लै आओ, मैं छाती की छाननी बना के रख देवांगा। वायरल होई वीडियो के आधार पर नंगल पुलिस ने उक्त नौजवान नूं गिरफ्तार कर लिया। नंगल पुलिस ने पिंड विभौर साहब के निवासी कथित दोषी हरीश नूं आर्म्स एक्ट ते होर वख-वख धाराएं तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर अदालत च पेश किया, जिथे मानयोग जज साहिबान ने उस नूं एक दिन के पुलिस रिमांड ते भेजन के हुक्म जारी किए। पंजाब विच गैंगस्टरां वल्लों धमकी दीआं कॉलां दा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। बीते कुछ दिनों तो जलंधर विच भी कई लोगों नूं इह धमकी भरे कॉल आ चुके ने, पर पुलिस हाथ ते हाथ धरी बैठी है, जिसका हरजाना नकोदल के कारोबारी नूं अपनी जान दे के भरना पिया।
जलंधर के भाजपा लीडरों भी धमकी दी कॉल आई ने पर कोई कार्रवाई ना होंगी वेख भाजपा की लीडरशिप मैमोरेंडम देन जलंधर के डीसीपी मिली। इस मौके साबका कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि जलंधर की कानून स्थिति पूरी तरह खराब हो गई। उन्हें कहा कि जदों की पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है गैंगस्टर वर्ग बहुत प्रचलित हो रहा है जो कि पंजाब लिए बेहद खतरनाक है। इस तरह के धमकियां आदि इस तरह कि उस पर चिंता व्यक्त की है कि सर्जे का काम होना चाहिए जिस ढंग कि प्रीएम्प्टिव एक्शन हो गया जो क्योंकि थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही हैं जनरल लोगों को उसमें जाकर किसी नॉन जो पंजाब के हालात है जो जो भी हालात है बदतों बदतर हो गए तो उसमें लैके सर कितनी धमकियां आ रही हैं कितनी धमकियां आ रही हैं जनरल लोगों को आ रही है पता ही मीडिया भी आई है। पंजाब च ठंड का कहर जारी है संघनी धुंद कारण लोगों वाहन चलाने काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। नवे साल का आगाज भी संघनी धुंद नाल होवेगा। पंजाब विच पारा होर चढ़ेगा तो कड़ाके की ठंड पवेगी। पछमी गड़बड़ी कारण अज दोबारा धुंद छाई अज हवावां की दिशा बदल के उत्तर पछम हो जाएगी जिस नाल ठंड होर वध सकती है। दूजे पासे पछमी गड़बड़ी के प्रभाव नाल बीते दिन बदल छाए रहे शाम को कुछ जिलों में धुंद भी देखने को मिली। मौसम विभाग मुताबिक मौसम च बदलाव जारी है। पछमी गड़बड़ी हरियाणा NCR से दिल्ली तो अगे निकल गया इस कारण हुण पंजाब राजस्थान हरियाणा NCR से दिल्ली में एक बार फिर तो बर्फीलिया हवावां का रुख हो जाएगा। इस नाल जनवरी के पहले हफ्ते कड़ाके की ठंड पवेगी तो नवे साल का स्वागत कड़कती ठंड नाल होवेगा। लखा सिदाणा वालों प्रभु येशु मसीह मसीही कौम अते आत्मिक पिता पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला बारे ना सहयोग भाषा का इस्तेमाल किया गया जिस नाल मसीही कौम के हिरदे वलूंदरे गए ने ते उसने मसीही प्रचारकां ते मसीही विश्वासियों नू प्रभु येशु मसीह जी का प्रचार करन ते मन विच चेतावनी दिंदिया धमकी दी है ते लोकां नू मसीही कौम विरुद्ध लामबंद करदे कहा कि जेकर तुसी इन्हां नू किते भी प्रभु येशु मसीह का प्रचार करते हुए देखो तो इन्हां दीआं लत्तां बाहां तोड़ के इन्हां दा सौदा ला दिओ। इस गल नू ध्यान विच रखदे हुए मसीही भाईचारे का कहना है कि लखा सिदाणा वालों साडे धार्मिक जज्बातों नू जो ठेस पहुंचाई गई मुताबिक 295 एक्ट अते लत्तां बाहां तोड़ के सोधन दीआं धमकियां देण ते देश दे संविधान दा अपमान करन विरुद्ध बणदीआं धारावां तहत लखा सिदाणा ते केस दर्ज कीता गया। जलंधर के बीएसएफ चौंक से उस समय हंगामा हो गया जदों एक पति ने अपनी पत्नी नू किसे व्यक्ति नाल रंगे हत्थी फड़ लिया। पीड़ित व्यक्ति ने दसिया कि वह दुबई विच काम करता है तो उत्थे उसनू उसकी पत्नी बारे काफ़ी शिकायतां मिलियां सन जिस बारे उसने अपनी पत्नी नू कई बार समझाया। पीड़ित ने दसिया कि अज उसके दोस्तों ने दसिया कि उसकी पत्नी किसी व्यक्ति नाल घूम रही है जिसका उसके दोस्तों ने पिछा किया तो जदों वो होटल विच रुके तो सारी गल दसी जिसके चलते उसने अपनी पत्नी उक्त व्यक्ति नाल रंगे हत्थी फड़ लिया। घटना संबंधी पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। इस बारे पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों मामले की जांच की जाए। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।